हेलो फ्रेंड्स, टेक भरोसा चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि पॉट प्लेयर अपने अपने लैपटॉप या पीसी में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए, उसके लिए पहले अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है google.com। वहाँ पे सर्च के ऑप्शन में जाना है। सर्च ऑप्शन के जाने के बाद वहाँ पे सर्च करना है पॉटप्लेयर। पॉटप्लेयर सर्च करने के बाद वो पहला जो लिंक आएगा, फर्स्ट लिंक जो आ रहा है, ग्लोबल पॉटप्लेयर को ओपन करने के बाद आपको इधर दिखा रहा है कि 32-bit डाउनलोड या 64-bit डाउनलोड। तो आपने अपने पीसी के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपको 64-bit या 32-bit जो भी है आपके पीसी के हिसाब से डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। डाउनलोड इधर नीचे देखिए, डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। तो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। तो आप फिर आपको यहाँ पे जाना है अपने पीसी के डाउनलोड फोल्डर में। अपने पीसी को डाउनलोड फोल्डर ओपन करने के बाद पॉटप्लेयर आ रहा है वहाँ पे। तो पॉटप्लेयर को आपको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कर देना है। फिर उसके बाद ऑप्शन आ रहा है इंग्लिश, ओके कर देना है। ओके करने के बाद नेक्स्ट बटन जो आ रहा है उसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद आई एग्री, उसके बाद फिर से नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद फिर इंस्टॉल। इंस्टॉलिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। अगर HW डिकोडर आप लोगों को चाहिए, डिकोडर या इनकोडर, तो आपको वो ऑप्शन चूज कर लेना है। उसके लिए फिर अलग से 1 MB के आसपास फाइल वो डाउनलोड करेगा। तो देखिए डाउनलोड हो चुका है। आई एग्री, उसके बाद फिर से नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल दबा देना है। तो हमारा पॉटप्लेयर इंस्टॉल हो चुका है, आप जैसे देख सकते हैं। कोई भी वीडियो आप लोग पॉटप्लेयर में चलाना चाहते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे किया हूँ। फिर वीडियो को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप ओपन विथ पॉटप्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 1 प्रेस करेंगे तो वीडियो छोटा हो जाएगा, फिर 2 प्रेस करेंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर 3 प्रेस करेंगे और भी बड़ा हो जाएगा, फिर एंटर दबाएंगे तो पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो जैसे कि विंडोज़ कमांड काम करते हैं, वैसे ही पॉटप्लेयर में काम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।